भागलपुर में लगातार रफ्तार का कहर जारी है। वहीं एक मामला बीते दिनों धरैया के समीप सामने आया है, जहां बाइक पर सवार रंजीत कुमार और उसकी मां मंजू देवी अपने घर जा रही थी कि अचानक अनियंत्रित कार ने सामने से आकर जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों की हालत गंभीर हो गई। दोनों को इलाज के लिए प्राथमिक उपचार ले जाया गया, जहाँ से मायागंज अस्पताल डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दरमियान दोनों की मौत हो गई। उक्त रेलवे के प्राइवेट के सुपरवाइजर के पद पर मृतक कार्यकर्ता था। वहीं परिजनों द्वारा बताया गया कि 6 जून को गांव में शादी में सभी लोग गए थे। वहीं रंजीत कुमार मंडल भी अपने बाइक से बारात गया था और वापस आने के दरमियान धरैया के समीप मोबाइल और बाइक को अपराधियों के द्वारा छीन लिया गया था। उसी बाइक की शिनाख्त करने और बयान देने के संबंध में वह थाना जा रहा था, उसी दरमियान वह दुर्घटना का शिकार हो गया। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।